एनकाउंटर बाबा की अदालत में जैसी करनी वैसा ही भरनी। दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, श्रद्धा के हथियार को एनकाउंटर हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम। आज हम आपको बताएंगे बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं योगी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। एनकाउंटर सीधा सीधा आरोपी को कर दिया योगी का पुलिस। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि श्रद्धा मर्डर की जो बात चल रही है, इतने दिन हो गए मगर पुलिस को अभी तक पूरा सच जो है अफताब से नहीं निकाल पाया है। वहीं पे यूपी में यानी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंदर दो दो एनकाउंटर हो चुका है लड़कियों को केस के बारे में अगर हम बात करें तो। वहीं पे एनकाउंटर कब और कैसे हुआ, जैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में जो एक मर्डर हुआ था, अफताब ने किया था श्रद्धा को 35 टुकड़े। वहीं पे यूपी में यानी कि यूपी में भी एक जो मर्डर हुआ और वो मर्डर करने वाले जो 5 टुकड़े किए, और 5 टुकड़े करने के साथ साथ उन्होंने 6 किलोमीटर दूर वो घर से कहीं और कुएं में वो सर को फेंका, और कुछ ही दिनों बाद ही योगी का पुलिस सीधा सीधा एक्शन ले लिया और बाबा को बुलडोजर के सामने नहीं चल पाए जो आरोपी थे वो। इसके कारण ये होता है कि ये जो योगी बाबा के जगह अब एनकाउंटर बाबा रख दिया गया है। और ऐसा ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो अपना राज और बढ़िया तरीके से इतने बड़े राज को चलाना बाबा के लिए मुश्किल है। वहीं पे श्रद्धा के आरोपी को अब तक कुछ भी नहीं हुआ, जबकि दिल्ली के अंदर ये बात चल रही है। वहीं पे उत्तर प्रदेश में बाबा के नगरी में यानी कि योगी सरकार के अंदर में ये जो है मामला तुरंत रफा दफा हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।